नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू। मैं महेंद्र दही आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली शादी थी तो उस कारण थोड़ा सा 7-8 दिन ऊपर नीचे हो गया। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए आज अपना स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री पार्ट 3। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है। द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:6। द ट्राइंगल इज, आपको बोला ट्रायंगल कैसा होगा अगर इस टाइप का रेशियो दिया हुआ है, ट्रायंगल कैसा होगा। देखिए वैसे तो आपको याद कराया जाता है कि ऐसा याद कर लीजिए कि ऐसा तो होता है, आपको याद कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले देखो, अगर उसकी साइड का रेशियो आपको, अगर उसके साइड का रेशियो ये दिया हुआ है तो अपन मान लेते हैं कि भाई पहले साइड 3x है, फिर 4x है, 6x है, ठीक है ना। ये अब एक चीज़ याद रखना कि जब भी एक चीज़ याद रखना, मान लो ये आपकी 3x है, ये 4x है और ये 6x है, और मान लो ये एंगल अल्फा है। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, कॉस अल्फा। अब मान लेते हैं, देखो उसको मैं ए बोलता हूँ, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं और इसको सी बोलते हैं। तो कॉस अल्फा निकालने का फॉर्मूला जो होगा वो स्टूडेंट होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। वापस बता देता हूँ, तो जैसे मान लो जनरली ट्रायंगल में ये होता है, ये ए बी और सी, तो ए के सामने वाला ए होता है, बी के सामने वाला बी होता है, सी के सामने वाला सी होता है। तो अगर आपको कॉस ए निकालना है तो कॉस ए निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बी सी। मतलब जो यहाँ आएगा वही नीचे आएगा और जो ए के सामने वाला वो उसका वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वैसे आपको कॉस बी निकालना हो तो कॉस बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी। अब यहाँ बात समझनी ये है, तो कॉस थीटा, देखो कॉस थीटा की वैल्यू, देखो एक चीज़ याद रखना, कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू जब 0 से लेकर 90 के बीच में होती है तो कॉस थीटा आपको क्या होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इसी टाइप से जब थीटा अगर 90 से बड़ा हो जाता है और 180 के बीच में हो जाता है तो आपको याद रखना है कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री वीडियो देखे होंगे तो आपको ये चीज़ समझाई होगी मैंने, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर, तो एक चीज़ समझते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, एक चीज़ समझते हैं कि अगर मैं कॉस ए को उठाऊँ, कॉस ए को उठाऊँ मैं, और कॉस ए मेरा ये रहा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बी सी। तो देखो अगर ये ए, अगर आपका एंगल ए ऑब्ट्यूज एंगल है, क्या ये ऑब्ट्यूज, तो ये क्या होगा, ये तो आएगा नेगेटिव आएगा। ऑब्ट्यूज होगा तो क्या होगा, 90 से बड़ा है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ भी उधर जाकर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि ट्वाइस बी सी पॉजिटिव है, क्योंकि बी पॉजिटिव सी पॉजिटिव, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर पूरा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर अगर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, दो साइड का स्क्वायर, तो ये हमेशा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। यहाँ से वो कंसेप्ट आता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये पॉजिटिव होता, अगर मान लो, देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, कॉस ए अगर आपका फॉर्मूला ये रहा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बी सी, और अगर ये 90 से छोटा होता, मतलब एक तो ऑप्टिव होता है और एक क्या होता है, एक्यूट होता है। अगर ये एक्यूट होता तो ये क्या आता, पॉजिटिव होता है, और इसको मल्टीप्लाई करने पॉजिटिव आता तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करने पर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो एक्यूट एंगल होगा, क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। लास्ट अगर 90 आ जाता तो क्या होता, 90 के लिए कंडीशन याद रखोगे, अगर 90 आ जाता तो क्या होता, ये 0 हो जाता, तो ये हो जाता बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी, तो ये चल जाता, तो यहाँ पर आ जाता बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर दो साइड का स्क्वायर का सम अगर तीसरे साइड के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो आपका राइट एंगल हो जाएगा। तो ये चीज़ अपन को समझनी थी अपन को। अब आता है अपन सवाल पर, मुद्दे पर आता है, देखो ठीक है ना। अब मुद्दे पर ये नोट कर लीजिए आप जो भी, अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब अपन मुद्दे पर आते हैं, देखो क्या करना है अपन को, देखो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, तो मैंने मान लिया था कि ये 3x है, ये 4x है और ये 6x है। अब क्या करते हैं, सिंपल सा 3x को मान लेते ए, इसको मान लेते बी, इसको मान लेते सी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं तो कितना आएगा, 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर और ये आ गया माइनस सी स्क्वायर, मतलब 36x स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, ये 25x स्क्वायर हुआ माइनस 36x स्क्वायर हुआ, ये माइनस का 11x स्क्वायर आ रहा है, जो कि क्या है, नेगेटिव है।
और मैंने आपको बताया था नेगेटिव के लिए, याद रखो नेगेटिव के लिए क्या होता था, ऑब्ट्यूज एंगल होता था, क्या होता था ऑब्ट्यूज एंगल। तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर, मतलब आंसर हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। आगे बात समझ में क्लियर हो रहा है, ठीक है। अच्छा सी क्या होगा, होगा सी बड़ा वाला साइड होगा, जो भी बड़ा साइड होगा ना वो बड़ा वाला साइड लेना है, किसी कन्फ्यूजन होगा सर हम दोनों ले लेंगे, तो सी आपको हमेशा बड़ा वाला साइड लेना है, ठीक है, जो सबसे बड़ा है। आगे बात समझ में, अगर ये पॉजिटिव आता ना तो आप उनका एक्यूट एंगल होता, अगर इक्वल आ जाता तो राइट एंगल होता। बात समझ में आ गई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन ए ट्रायंगल एबीसी, पहले ट्रायंगल बना देते हैं अपन एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी हो गया, ठीक है, ये ए ये बी और ये सी। इसने बोला कि जो ये डी है वो इंटरनल बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब जितना एंगल अल्फा ई होगा उतना उतना एंगल अल्फा ई होगा, ठीक है। मीटिंग साइड बी सी, ठीक है, बी डी आपको दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, बी सी आपको 7.5 दिया हुआ है, ये पूरा आपको दिया हुआ है 7.5, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 2.5। अब बोला देन रेशियो ऑफ ए बी और ए सी, देखो एक चीज़ याद रखना, ये आप अब धीरे धीरे कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे, ये ए है ये बी है ये सी है, और मान लो ये इंटरनल बाइसेक्टर है, मतलब एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए। तो याद रखना ए बी अपॉन ए सी का जो रेशियो होता है वो बी डी अपॉन डी सी के रेशियो के बराबर होता है, जब आपका ए क्या हो, जो ये बीच वाला है ये एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो ये थ्योरम आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो अब बस सिंपल से निकाल दीजिए, आपको पूछा ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी का जो रेशियो होगा वो बी डी अपॉन डी सी के क्या होगा, बराबर होगा। तो बी डी कितना है भाई, 5 है, डी सी कितना है, 2.5 है, कट कर दो कितना आ जाएगा, 2 by 1, मतलब आंसर कितना आ गया, 2:1। तो ऑप्शन ए इज द राइट। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला टेकिंग एनी थ्री ऑफ द लाइन सेगमेंट आउट ऑफ सेगमेंट ऑफ लेंथ 2 cm, 3 cm, 5 cm, 6 cm, द नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड। देखो ये क्वेश्चन सीजीएल के अंदर आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो तो अपन को अक्सर क्या कि थ्योरी बहुत पता होती है कि भाई सम ऑफ टू साइड, जैसे ये ए बी सी है तो अपन को पता होता है कि ए प्लस बी जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन सी होना चाहिए, ठीक है, बी प्लस सी होना चाहिए, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होगा। तो अब ये क्वेश्चन आ जाता है ना जब अपन इसका एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर पाते। अब देखो अपन को ट्रायंगल बनाना, क्या मैं 2, 3, 5 का बना सकता हूँ? देखो इन दोनों साइड 2 + 3 तो 5 के बराबर आ रहा है ना, बड़ा कहाँ आ रहा है, इसका मतलब इसका तो पेयर बन ही नहीं सकता, ये हटाओ इसको। अब अगला पेयर की बात करते हैं अपन, ये फर्स्ट पेयर हुआ, अगला पेयर की बात करते हैं 3, 5 और 6, इसमें इन दोनों का सम किया 8 आ रहा है, 6 से बड़ा आ रहा है, इन दोनों का सम किया इससे बड़ा आ रहा है, ठीक है, इन दोनों का सम किया इससे बड़ा, तो इसका मतलब एक पेयर तो ये बन ही सकता है, एक पेयर ये बन गया, और एक पेयर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। क्या 2, 5, 6 का बन सकता है, 2, 5, 6 का, देखो इन दोनों का सम इससे बड़ा, इन दोनों का सम इससे बड़ा, इन दोनों का सम इससे बड़ा, इसका मतलब 2, 5, 6 भी क्या हो सकता है, एक पेयर बन सकता है। तो मेरे पास सिर्फ 2 ही पेयर बन सकते हैं, इसलिए मेरा आंसर ये होगा नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने फॉर्म हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देखकर करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4, 5, 6 एंड द इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल इज 3 cm, देन द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट साइड। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना देते हैं अपने यहाँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्रायंगल बना देता हूँ, ट्रायंगल दिया हुआ है ये वाला, ये ट्रायंगल बना दिया अपन ए बी और सी। तो रेशियो क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 4, 5, 6, तो इसको मैं मान लेता हूँ 4x, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ 5x और इसको मैं मान लेता हूँ 6x, ठीक है ना। और यहाँ से क्या करा मैंने, ये एल्टीट्यूड डालने स्टार्ट किए यहाँ पर ये, ठीक है, ये हो गया F, ये हो गया E, ये हो गया D, इसको मान लेते हैं O, याद हो दिक्कत। अच्छा इसके अंदर एक सर्कल है जिसको अपन मान लेते हैं सर्कल अंदर बना हुआ है सर्कल, ठीक है ना। और अपन को इन रेडियस दी हुई है, स्मॉल r दिया हुआ है अपन को, कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब एक चीज़ बताऊँ मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ट्रायंगल ए ओ बी प्लस ट्रायंगल बी ओ सी प्लस ट्रायंगल ए ओ सी का जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, ट्रायंगल ए बी सी के
एरिया के बराबर होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, मुझे निकालना ये है, मुझे ये निकालना है, इसको मैं एच मान लेता हूँ, मुझे निकालना ए डी, और ए डी को मैंने मान लिया एच मान लिया, क्या मान लिया है एच मान लिया है। अच्छा ए डी निकालना अपन को, कॉरेस्पॉन्डिंग लार्जेस्ट साइड निकालनी, तो अपन को सिक्स एक्स के सामने निकालनी है, तो मैं मेरे को निकालनी है बी ई निकालनी, क्या निकालनी बी, तो वापस एक बार करेक्शन कर लीजिए, बी ई अपन को निकालना है, बी को अपन एच मान लिया। तो बताओ ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू इसका बेस फोर एक्स है और इसकी इंडिडेस कितनी थ्री है, प्लस आगे वाले कितना होगा हाफ इंटू बी ओ सी का, हाफ इंटू फाइव एक्स इंटू इसकी भी इंडिडेस थ्री है, अगला वाला कितना होगा हाफ इंटू सिक्स एक्स इसकी इंडिडेस कितनी है थ्री है, और ट्रायंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट बेस इंटू, और ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना होगा हाफ इंटू इसका बेस अपन सिक्स एक्स मान लेते हैं और इसकी हाइट जो है वो अपन एच मान लेते हैं। अब देखो यहाँ से एक्स 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 कैंसिल हो जाएगा, अब सॉल्व कीजिए आप इसको थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपका सिक्स प्लस ये हो जाएगा सेवन पॉइंट फाइव प्लस ये हो जाएगा वन पॉइंट फाइव इंटू सिक्स, ठीक है इजिकल टू थ्री एच, है ना हो जाएगा इतना, एक सेकेंड वन पॉइंट फाइव, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा नाइन नाइन और सिक्स फिफ्टीन, ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव इक्वल टू थ्री एच, तो एच आ गया ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव अपॉन थ्री, मतलब ये हो गया सेवन पॉइंट फाइव। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए इंडिडेस के अंदर तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो, क्वेश्चन का पैटर्न पता होना चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है ना। ओके अपन को इसकी हाइट के रिलेशन ये निकालना था इसलिए मैंने इस तरीके से इसको किया है, आगे बात समझ में क्लियर है, ठीक है। चलिए अभी ये मैंने तीन चार क्वेश्चन कराए, अभी बस आपको ये बताना आया था कि आज से मैं वापस आ गया हूँ, ठीक है, अभी आपको और बड़ा वीडियो मिलेगा, ये तो मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको तसल्ली हो जाए, तीन चार क्वेश्चन मैंने इसलिए कराए, इन क्वेश्चन को देखिए, साथ में मैंने एक दो घंटे का वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर कंप्लीट ज्योमेट्री कराने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आज आपको दो तीन वीडियो मिलेंगे, आप टेंशन बेफिक्र रहिए और आज से वापस अपनी तैयारी में वापस जुट जाइए, ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और आज से आपको सारे वीडियो मिलने वापस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए पहले इन तीन चार क्वेश्चन का आनंद लीजिए, उसके बाद फर्दर अपन एक घंटे का वीडियो लेते हैं जो मैं बना रहा हूँ, और फिर उसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच।